माननीय, कंसंट्रेशन को लेकर बच्चे बहुत स्ट्रेस्ड रहते हैं। दो क्वेश्चंस हम ले रहे हैं। कनिष्का वत्स नोएडा से हैं, जो क्लास 10th में पढ़ती हैं और आपसे कुछ पूछना चाहती हैं। कनिष्का, गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज कनिष्का वत्स, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th फ्रॉम डीवी पब्लिक स्कूल एनटीपीसी दादरी नोएडा। सो माय क्वेश्चन इज, इफ एनी स्टूडेंट इज विलिंग टू कंसंट्रेट ऑन हिज और हर स्टडीज बट स्टिल गेट्स डिस्ट्रैक्टेड, so what he or she should do to concentrate more on his or her studies? Thank you, sir. अगर पढ़ाई से ध्यान कहीं और बढ़ता है तो पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट करने के लिए क्या करना चाहिए? कॉन्सेंट्रेशन से ही संबंधित सवाल है प्रणव व्यास का, जो कि BHU से हैं। आइए सुनते हैं। हेलो सर। हेलो सर, थैंक यू फॉर दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी। दिस इज प्रणव व्यास फ्रॉम IIT BHU वाराणसी। आई वुड लाइक टू नो योर एक्सपीरियंसेस ऑन what should one do when we feel overwhelmed and disoriented in whatever we're doing, may it be academics or some passion that we're pursuing, in general life. कोई अभिभूत या disoriented महसूस कर रहा हो तब क्या करना चाहिए? मानिए concentration के बारे में ये जो दो सवाल थे उनके बारे में कृपया हमें राह दिखाएं। बहुत लोगों को लगता है कि concentration ये कोई special प्रकार की विधा है जिसको हमें सीखना पड़ता है। ऐसा नहीं है। आप में से हर व्यक्ति दिन में कोई न कोई काम ऐसा करता है जो बड़े ध्यान से करता है। अगर आप खुद अपने आप को ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो काम मैं जब कर रहा था, कोई गाना सुन रहा था, एक एक शब्द ध्यान था, जब शब्द सुन रहा था तो उसका वीडियो देखा था तो वो चित्र भी मुझे याद आता था, मैं उस गाने के आगे पीछे क्या था वो भी मुझे याद आता था। यानी एकदम से आपका कॉन्सेंट्रेशन था, ये आपने अनुभव किया होगा। आपका कोई दोस्त के साथ आप फोन पे बात कर रहे हैं और उस समय आपका प्रिय गाना चल रहा है, लेकिन आपका दोस्त आपका बहुत अच्छा दोस्त है, फोन पे आ गया, वो गाना की आवाज चल रही है, अब तक आप गाना में उलझे थे लेकिन एकदम से शिफ्ट होकर के उस आपके दोस्त के साथ फोन में इतने उलझ जाते हैं कि कौन सा गाना आया, कौन सा गया, क्या चल रहा है, कुछ पता नहीं, माँ खाने के लिए चिल्ला रही, सुन नहीं रहे हो, आप लगे हुए हो। मतलब कॉन्सेंट्रेशन है कि नहीं? इसका मतलब यह कि जो कोई कहते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन के लिए कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी जरूरी है, इसके बजाय आप अपने आप का एनालिसिस कीजिए, वो कौन सी बातें हैं जिसमें आप ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, ध्यान से कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं, पूरी तरह उसमें लग जाते हैं और वो उसके डिटेल में जाएंगे। ऐसा क्यों करते हैं आप? जिन कारणों से वैसा करते हो उन कारणों को आपने पकड़ लिया, उसी को आपने अपनी रेसिपी बना लिया और चीजों में अप्लाई करना शुरू कर दिया, तो धीरे 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 आपका कॉन्सेंट्रेशन के लिए जो दायरा है बढ़ता जाएगा और आप अनेक विषयों पर उतने ही मनोयोग से काम कर पाएंगे। और एक तो खुद को जांचना परखना, और ये बिल्कुल मन में से मत निकाल दीजिए कि कोई आपको कह देता है। आप जो कहते हैं कि भाई मुझे याद नहीं रहता है, बहुत लोग कहते हैं याद नहीं रहता है, लेकिन किसी ने आपको बुरा कह दिया और एक वाक्य ने 10 वाक्य बुरे बोल गया, आप 6 साल के बाद भी उन 10 के 10 वाक्य याद रहते हैं कि नहीं याद रहते हैं? इसका मतलब आपकी मेमोरी पावर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो चीज थी जो आपको छू गई, आप उसको भूल नहीं पा रहे हैं, आपको याद रह गया, आपके जीवन में कोई ऐसा पल आया होगा और परिवार के दादा दादी ने उस पल इतने बढ़िया ढंग से आपको पुचकारा होगा, आपको आशीर्वाद दिए होंगे, आपको लगता होगा माँ दादा दादी से इतने सालों से मिल रहा हूं लेकिन वो पल मैं भूल नहीं पाता हूं। मतलब जिन चीजों में
सिर्फ बुद्धि नहीं, आपका हृदय भी जुड़ जाता है, वो चीजें जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। कॉन्सेंट्रेशन में भी आप अपने मन, बुद्धि, शरीर, हृदय, आत्मा, ये सबको एक जगह पे सिंक्रोनाइज कर करके लाते हो क्या? ये जो योगा है ना, अभी दिखा रहे थे सारे बच्चे, ये कुछ लोग मानते हैं ये कोई फिजिकल एक्सरसाइज है, और कुछ लोग, अगर योग बॉडी बेंडिंग का ही खेल होता तो सर्कस में जो लोग काम करते वो सारे योगी होते हैं, सब सर्कस वाले योगी होते हैं। तो ये बॉडी बेंडिंग का काम नहीं है, ये योग का मूलतः काम शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, इनको एक सिंक्रोनाइज वे में काम करने के लिए है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं, कौन सा आसन करना, कैसे करना, वो आपकी मर्जी है। आपने देखा होगा, एक बार मैंने मन की बात की थी तो हमारे देश के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर जी मन की बात में मेरे साथ बातचीत कर रहे थे और देशभर के लोगों ने सुना। उन्होंने बड़ी एक मजेदार बात कही थी, किसी बालक ने उनको ऐसा ही एक सवाल पूछा था तो उन्होंने एक बढ़िया जवाब दिया था। मैं समझता हूँ ये जवाब आपको, हम सबको काम आ सकता है। उन्होंने कहा, जब मैं खेलता हूँ तो इसके पहले कौन सा बॉल था, कैसे आया था, मैं रन कर पाया कि नहीं कर पाया, बॉल को ठीक से खेल पाया कि नहीं, इसके दिमाग में खपाता नहीं हूँ। दूसरा, इसके बाद जो बॉल आएगा तो कैसा आएगा, मैं चार लगाऊं या सिक्सर लगाऊंगा, दिमाग नहीं खपाता हूँ। मैं उस समय उसी बॉल को खेलता हूँ जो आ रहा है, बाकी सब भूल जाता हूँ। ये तरीका है। हम आगे, इसका मतलब ये नहीं कि अतीत का कोई महत्व नहीं है, अतीत का अपना महत्व है, लेकिन अतीत जब बोझ बन जाता है तो भविष्य के सपने भी रौंद जाते हैं और वर्तमान बोझिल बन जाता है। वर्तमान में जीने की आदत कॉन्सेंट्रेशन के लिए एक रास्ता खोल देती है। वही कॉन्सेंट्रेशन ऐसा नहीं है, लेकिन वो एक रास्ता खोल देती है। हम वर्तमान में, कोई आपको मिलने आया है, अब आप कभी कभी कोई किताब पढ़ते होंगे, किताब खुली है, लाइट पर्याप्त है, वातावरण शांत है, खुशनुमा माहौल है, लेकिन आंखें किताब पर है, आंख बराबर एक एक पन्ने पर चल रही है, लेकिन आप ऑफलाइन है। अब ये ऑनलाइन ऑफलाइन से तुरंत समझ आया है, कंप्यूटर पढ़ा है लेकिन आप ऑफलाइन है, किसी से कनेक्टेड नहीं है, आप किताब से कनेक्ट नहीं होते हैं, और इसलिए जब जो करें आप ऑनलाइन होने चाहिए, जो मिलने आए तो उसी से जुड़े हुए होने चाहिए। चाय पीते हैं, कभी चाय भी पीते हैं, आप में से बहुत कम लोग होंगे जिनको पानी का टेस्ट पता होगा जी। क्यों? क्योंकि हम पानी ऐसे पी लेते हैं, कभी जी भर के पानी पी के देखो, उसकी बूंद बूंद पी करके उसका टेस्ट एंजॉय कीजिए, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन।